कमलनाथ जी की वेबिनार थी, उसमें उन्होंने कहा है कि ये आग लगाने का समय है, इस विषय को लेकर क्या कहेंगे आप? अब आपदा में वो सेवा तो करने से रहे, आपदा में तांडव करना चाहते हैं। मैंने आज सुबह भी कहा था कि ये वही कमलनाथ है जो 84 के दंगों में जिनने देश में आग लगाई थी। आज जो लीक हुआ है उनका, वो इस बात का द्योतक है कि वो प्रदेश में भी आग लगवाना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। मूल स्वभाव इनका वो उभर के सामने आया। अब प्रदेश के लोगों को देखना चाहिए, इनसे सवाल करना चाहिए। वहीं पेन ड्राइव को लेकर बात की जाए तो उन्होंने बयान दिया है कि हनी ट्रैप की पेन ड्राइव उनके पास में है, तो क्या मानते हैं इसको? ब्लैकमेलिंग राजनीति मानते हैं, क्या मानते हैं आप इसको? ये डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है, और है तो रोके क्यों हो आप? इनके पास कुछ नहीं है बातों के अलावा, ये सिर्फ मुंह चला सकते हैं। अगर होती तो ये रुकते नहीं। मैं कह रहा हूँ कि है तो उजागर करो। तो ग्वालियर जिले में लगातार बारिश हो रही और एफसीआई खरीद के लेकर के ताऊते के कारण से हिंदुस्तान के बड़े भाग में हो रही है। जहाँ तक आपने गेहूं के भेजने का बताया, 97% गेहूं हम सरकार का उठाकर गोदाम में और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुके हैं। 3% ऐसा गेहूं है जो बाहर है, लेकिन इससे किसान को कोई नुकसान नहीं है, किसान का खरीदा हुआ गेहूं है। वो ट्रॉलियाँ अभी भी खड़ी हैं दादा, और कांग्रेस विधायक धरना दे रहे हैं बैठ बैठ के। अब ये दुर्भाग्य है कि वो धरना ही दे सकते हैं, मदद तो कर नहीं सकते। सरकार के एक्शन, अगर वो मदद करने की स्थिति में जनता ने रखा नहीं डबरा को, लेकिन किसान का एक एक दाना गेहूं खरीदा जाएगा। ये इस तरह की राजनीति ना हो। एक बार मुख्यमंत्री जी जब बोल चुके कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, तो काय की चिंता है? जहां मैसेज नहीं आया है वो अपना लिखित आवेदन SDM महोदय को दे, और कोई दिक्कत है तो हमें बताए, जनप्रतिनिधियों को बताए, अपने विधायक जी को ही बता दें। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।